ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 फोर्ड इको स्पोर्ट ट्रेंड BS6। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप अगर इको स्पोर्ट के और भी BS6 वेरिएंट्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। इन केस आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप फोर्ड की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारे जो इनके मॉडल्स हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट टाइम्स को देखते हुए आप अगर अपनी गाड़ी बुक करना चाहते हो तो आप कंपनी का लिंक यूज़ कर सकते हो। जो भी करंट टाइम चल रहा है उसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। गाड़ी की अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ट्रेंड वेरिएंट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते हैं पास में और इसका जो क्लोज़ व्यू है वो पूरा मैं आपको दे देता हूँ। तो मूव कर लेता हूँ पहले को ड्राइवर साइड तक, कंप्लीट आइडिया ले लीजिए। इधर आपको जो हेडलैम्प्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, स्पेशली इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगता है। अंदर पूरी जो ब्लैक एंड फिनिश है वो भी आपको प्रोवाइड करी गई है इसके साइड्स में। इधर आप देखते हैं अपने जो इंडिकेटर सेटअप, बहुत ही ब्रॉड से पूरा ये क्लस्टर देखने को मिलता है, बहुत ही वेल डिज़ाइन सा इसका पूरा बोल सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल है। बाकी जो लोग भी इको स्पोर्ट चला रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपनी जो ग्रिल है वो आप देख लीजिए, फोर्ड की ब्रांडिंग हो गई, पूरा जो आपको डस्ट की फिनिश है सिल्वर फिनिश है वो प्रोवाइड करी गई है, कोई भी आपको क्रोम वगैरह इधर देखने को नहीं मिल रहा है। बोनट की बात कर लेते हैं तो इधर आपको पैटर्न्स प्रोवाइड करे गए ये आप देख लीजिए, और आपका जो वाइपर सेटअप है डुअल वाइपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इधर। चलते हैं पीछे की तरफ और अब इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो पूरा कवर हो गया है, उम्मीद है कि फ्रंट का पूरा आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब इसकी जो की है वो आपको दिखा देते हैं, इधर आपको रिमोट कीज़ अवेलेबल हैं, लॉक अनलॉक बटन आपको प्रोवाइड करी गई है, गाड़ी को अनलॉक भी कर लेते हैं। अब इसका जो साइड प्रीव्यू है वो आपको दे देते हैं, इधर काफ़ी अच्छी सी जगह है तो आपको जो साइड प्रोफाइल है वो पूरा मैं दिखा देता हूँ। जो भी इसके रिलेटेड स्पेक्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे। चलते हैं पास में और इसका जो व्हील एरिया है वो आपको दिखाते हैं। MRF के आपको इसमें टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं, कवरिंग आपको मिलती है सिल्वर फिनिश के ऊपर। कैसी लग रही है डिज़ाइन आपको ये आपको बताने हैं अपने थॉट्स। इसके अलावा आपके जो ORVMs हैं वो आप चेक कर लो, बॉडी कलर पे अवेलेबल हैं, इंडिकेटर इंसर्ट हो गया, नीचे मिलती है ब्लैक एंड फिनिश। इसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं इधर तो आपको जो पूरा क्लैडिंग इंसर्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, काफ़ी ये अच्छा सा लगता है, काफ़ी वेल डिज़ाइंड फील देगा आपको साइड प्रोफाइल में। साथ में इसका जो डोर लाइन है विंडो लाइन है कहीं भी कोई आपको बीडिंग इंसर्ट नहीं मिलता है, सिंपल प्लेन इंसर्ट्स ब्लैक इंसर्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, अगर आपको लगवानी है तो आप लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना चाहो उतना ब्यूटिफिकेशन करा लो अपनी गाड़ी में जैसा आपका बजट है। इसके बाद आपकी जो रूफ़ है वो दिखा देते हैं, तो इधर अपने जो पैटर्न्स हैं वो आप चेक कर लीजिए और आगे इधर आपको पूरी प्लेन रूफ देखने को मिलती है, रूफ रेल्स वगैरह इधर प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो पूरा कवर हो गया है, अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रीव्यू है वो आपको देंगे। तो पहले आप वन फ्रेम व्यू ले लो, पूरा इसका जो बैक प्रोफाइल है अच्छे से पूरा आपको डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। बहुत ही वेल डिज़ाइन गाड़ी है ये, काफ़ी अच्छे अमाउंट्स में सेल होती है ये तो आपको पता ही होगी। पहले आप देख लो को ड्राइवर साइड, इधर आपका जो फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप देख सकते हैं, जो भी इसके स्पेक्स हैं आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे। इधर आपका जो डोर हैंडल है ये आपको बॉडी कलर पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी हैवी सा डोर हैंडल देखने को मिलता है, बहुत अच्छी सी क्वालिटी इधर ये महसूस कर पा रहा हूँ मैं। अब एक एक चीज़ की बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल में, सबसे पहले आप देख लो आपका जो हाई स्टॉप लैंप है वो आप देख लो, एंटीना शायद मैंने आपको नहीं दिखाया था वो आप चेक कर लो, डिफॉगर है, आपका रियर वाइपर है, आपका जो स्पेयर व्हील है वो आप देख सकते हैं इधर, अपने टेल लैंप्स देख लीजिए, इसको आप एक तरीके से रैप अराउंड डिज़ाइन बोल सकते हो, इधर आपको नॉर्मल बल्ब्स देखने को मिलते हैं। फोर्ड की ब्रांडिंग, इको स्पोर्ट की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है, फोर्ड की जो नॉर्मल ब्रांडिंग आपने देखी वैसी ही प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा जो आपके पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे, वो तो गवर्नमेंट नॉर्म है। और इधर आपका जो कैमरा है वो भी आपको दिया गया, ये आप देख सकते हैं अपना कैमरा। अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और जो अंदर की स्पेसेस हैं वो आपको चेक कराएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सबसे पहले जो अपना आप डोर है वो आप चेक कर लो, जो आपका टेल गेट है वो आप चेक कर लो, पूरी सिंपल डस्ट की फिनिश इधर प्रोवाइड करी जाती है, चंक अमाउंट ऑफ स्पेस इधर मिलती है, बहुत अच्छी सी स्पेस इधर प्रोवाइड करी गई, काफ़ी सारा लगेज आपका इधर आ जाएगा देख लीजिए आराम से अच्छे से। और इधर आप देख सकते हैं तो आपको जो ये आपका जो केबिन लैम्प है ये आपको पीछे भी इधर प्रोवाइड करा गया है, मतलब कि आपकी सेकंड रो के लिए बेसिकली डिज़ाइन आपको सेम मिलेगी। आगे वाला जो केबिन लैम्प है अभी अंदर चल के आपको चेक कराएंगे, इसको अब मैं बंद कर देता हूँ और इसका जो अब इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे। बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब इसका जो इंटीरियर है वो पूरा प्रीव्यू आप ले लो।
मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको सिंगल फिनिश ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर जब आप नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको डुअल कॉम्बिनेशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। काफ़ी नीचे मिलते हैं इसमें बेज इंसर्ट्स, उसकी वजह से केबिन काफ़ी एयरी लगने लगता है। पहले डोर दिखा देता हूँ, तो इधर आपके डोर पॉकेट्स होंगे, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, ओआरएम एडजस्टर हो गए, डोर लॉक अनलॉक हो गया, और आपका डोर खोलने के लिए यह आपको पूरा ब्लैक एंड फिनिश पे दिया गया, क्रोम वगैरह इधर नहीं प्रोवाइड करा गया है। डुअल कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं आपके डोर पे। सीट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो बैक एडजस्ट हाइट एडजस्ट दोनों दिए गए हैं आपको, मैनुअली आपको करना पड़ेगा, और आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़रूरी हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अब दोस्तों मेरे हिसाब से कंप्लीट एक्सटीरियर पूरा कवर हो गया है, और डैशबोर्ड का भी साइड प्रीव्यू आपको दिखा दिया। अभी अंदर चलकर आराम से बात करेंगे, हमेशा की तरह जो भी इसके फीचर स्पेक्स हैं उस सारे कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। और प्ले स्टोर से ज़रूर चेक कर लेना, बहुत सारे ब्रांड्स आपको प्ले स्टोर वहाँ पर मिल जाएंगे, लेटेस्ट लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, और अंदर बैठकर डिटेल में आपसे आराम से बात करते हैं। अब दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ऑल न्यू फोर्ड इको स्पोर्ट ट्रेंड वेरिएंट BS6 पे। अब इसका जो फ्रंटल व्यू है आप वो ले रहे हैं इसके डैशबोर्ड का। अभी मैंने बाहर से भी पूरा गाड़ी आपको अच्छे से दिखा दिया है, जो भी रिलेटेड फीचर स्पेक्स होंगे सारे आपको पता चल गए होंगे अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया है। अपर पार्ट की बात कर लेते हैं तो पूरा व्यू आप ले लो, अपर जो डैशबोर्ड है वो आप देख लो। जनरली आपने देखा है कि फोर्ड की गाड़ियों में बहुत ही ब्रॉड सा डैशबोर्ड दिया जाता है, और वो आप पूरा इधर भी फील कर सकते हो। इधर आपको कुछ स्पेसेस भी देखने को मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं, तो इधर आप देख रहे हैं आपका जो RPM मीटर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, DIS दिया गया है, स्पीडोमीटर दिया गया है, नीचे आपका टेम्परेचर है, और आपका जो फ्यूल गेज है काफ़ी क्लियर सा पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करा गया, बहुत ही क्लियर फॉर्म में प्रोवाइड करा गया, जो मैं कहना चाहता हूँ पूरा फ्लैट फील आपको आएगा। इन्फॉर्मेशन आप आराम से मस्त से एक्सेस कर सकते हो। पूरा जो स्टेयरिंग का आप ये बोल सकते हैं कि राउंड देखते हैं, उसके अंदर पूरा पूरा आपका ये डिस्प्ले आ जाएगा। चलते समय आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए कुछ अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आराम से ऐसे ही आप आराम से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे। बाकी जो लोग चला रहे हैं प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। इधर आप अपने देखते हैं बोल सकते हैं कि टॉगल्स, वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं तो अपनी जो स्टेयरिंग है वो आप देख सकते हो। इधर आपके जो DIS कंट्रोल है आपका वो प्रोवाइड करा गया है। इधर आपके मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, ट्रैक वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम है, मोड है, वो सब आप इधर से कर पाओगे। इधर आपको मिलती हैं पूरे सिल्वर इंसर्ट्स बॉर्डरिंग में इसके, और इधर आप देख सकते हैं पूरा ये आपका जो सिल्वर टच है वो इधर भी प्रोवाइड करा गया। तो एक तरीके से बोल सकते हो आप कि डुअल फिनिश पे स्टेयरिंग प्रोवाइड करेगी। वैसे मेजरली कोई ऐसा यहाँ पे एडिशन नहीं मिलता है अलग से। टॉगल्स मैंने आपको चेक करा दिए थे। इधर आपका जो की इंसर्ट पॉइंट है वो आप देख लो, इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलती है, उसके लिए आपको टॉप एंड लेने पड़ेंगे। एसी वेंट्स अगर आप देखते हैं तो आपको ये चेंज मिलेंगे, अगर आप सेंटर एसी वेंट से कंपेयर करोगे बहुत ही ज़्यादा अलग डिज़ाइन मिलती है। एक तरीके से तो आपको ये ट्राइंगलिश फील होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ आपको ये डिज़ाइन चेंज हो जाती है, पूरी कंप्लीट इसको आप ट्राइंगल तो नहीं बोलोगे जैसे आप देख पा रहे हो। इधर आप देख रहे हैं आपकी जो लाइट एडजस्टमेंट है वो आप इधर से कर सकते हो, पूरे आपके जो बोल सकते हैं कि लाइटेड कंट्रोल से वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया है, पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि जो ये लाइटेड कंट्रोल दिए जाते हैं पूरी गाड़ी में, ये नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद अब इसका जो सेंटर कंसोल है वो पहले मैं कैमरा नीचे तक मूव कर लेता हूँ, अच्छे से आपको आइडिया दे देता हूँ इसके सेंटर कंसोल का। इसका जो ये सिस्टम है ना ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो पहले तो ये स्टैंड आउट यूनिट दिया गया है पूरा, इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा, भी मैं ऑन कर दूंगा वो भी दिखा दूंगा आपको। नीचे आपको जो बटन से वो भी प्रोवाइड करी गई हैं, दो रोटरी नॉब मिलती हैं। चलिए इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन कर लेते हैं, और जो टच है पहले वो आपको दिखा देते हैं। बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट टच पूरा दिया गया है, आराम से बस प्रेस करो और आपकी मस्त पूरी है, तुरंत आपको कोई लैग नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात जो सिस्टम में सबसे पहले मैं देखता हूँ किसी भी सिस्टम में, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं जनरल सेटिंग्स आपकी हो गई, इसके बाद डिस्प्ले हो गई, और इधर आपकी जो क्लॉक है वो आप देख सकते हो। इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हो बता देना, जो भी इसके रिलेटेड फीचर्स होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में इनकॉर्पोरेट भी कर दूंगा, तो वो आप देख लेना आराम से, पूरे आपको साइड्स में फ्लोटिंग वे में दिख रहे होंगे। नॉब्स और पूरा जो ये इसका डिज़ाइन है, पूरा जो पियानो इंसर्ट, इसकी वजह से बहुत खूबसूरत लगने लगता है ये। इसको बंद कर देते हैं डिस्प्ले, तो थोड़ा सा लाइट अच्छा हो जाएगा। एसी वेंट्स आप देखते हैं सेंटर वाले, तो ये आपको बुलेट फॉर्म में दिए गए हैं, काफ़ी हैवी से लग रहे हैं। एयर आपको अच्छी सी आनी चाहिए, फ्लो काफ़ी अच्छा सा आना चाहिए। हेजरलाइट का बटन हो गया,
नीचे आप देखते हैं तो आपका जो एसी कंट्रोल एरिया है वो आप देख सकते हो। ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें दिया गया है, पूरा जो क्रोम बीडिंग है वो आप देख रहे हैं, और इसको प्रेस करके आपका जो डिस्प्ले है वो भी चेक कर लीजिए। डिस्प्ले आप अगर देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी एसी फंक्शनिंग है वो आप देख पाओगे, और रोटरी नॉब आप देखते हैं तो इधर आपको पूरा क्रोम इधर भी प्रोवाइड किया गया है। इधर आपकी कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, दो यूएसबीज आपको दी गई हैं, कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस इधर हो गई, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। इसके बाद आपका जो गियर बॉक्स है वो आप देख लो, 5-speed गियर बॉक्स मॉडल विद रिवर्स, पूरा पियानो फिनिश, और आपका जो क्रोम इंसर्ट है वो देखने को मिलता है। इसके बाद इधर आप देखते हैं तो आपकी कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, आपका जो हैंड ब्रेक है दिया गया है आपको पूरा ब्लैक बटन के साथ, कोई क्रोम वगैरह देखने को नहीं मिलता है। पीछे भी आपको बहुत सारी कन्वीनियंस स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं। तो अब दोस्तों सेंटर पूरा कवर हो गया, ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया, जो भी इसके रिलेटेड स्पेक्स फीचर्स होंगे वो सारे आपको देखने को मिल गए होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में। अब चलते हैं को ड्राइवर साइड, तो पहले इधर देखते हो, एक बोल सकते हैं कि सपोर्टिव हैंडल आपको देखने को मिलता है, और इधर थोड़ी सी स्पेसेस मिल जाती हैं, जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना, वैसे कॉइन स्पेस आप इसको बोल सकते हो। आपका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी स्पेस इधर अवेलेबल है, दो कंपार्टमेंट्स आपको दिए गए हैं, ऊपर भी है नीचे भी है। स्पेस का उम्मीद है कि आपको पूरा व्यू मिल रहा होगा। इसका डोर का क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी पे ये दिया गया है। इसके बाद वैनिटी चेक कर लेते हैं, तो आपको ये मिलता है लिड के साथ को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इधर आपकी जो लाइट है काफ़ी बड़ी सी दी गई, जो केबल लैंप आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, पूरा व्यू मिल गया होगा। स्विच आप इसका देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों फ्रंट पूरा कवर हो गया है, मतलब है डैशबोर्ड से ड्राइवर को ड्राइवर सारी इन्फॉर्मेशन, स्पेक्स, फीचर सब कुछ आपको पता चल गए होंगे। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करना, वहां पे आपको बहुत सारी कंपनियों की प्लेलिस्ट बनी मिल जाएंगी। अगर आप किसी और कंपनी की कोई और गाड़ी भी देखना चाहते हो वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इको स्पोर्ट के और भी मैंने BS6 फ्रेंड्स रिव्यू करे हुए हैं, तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगा दूं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप फोर्ड की प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। अब दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट आपसे बोलूंगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर फॉलो करिए, @GyaniEnough ID है, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कार्ड्स भी ऊपर आपको फ्लोटिंग वे में दिख रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे आपको मीडिया सिस्टम, साउंड चेक्स, कार की फोटोज, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, और वहां बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, और वहां बैठकर आपसे डिटेल में बात करते हैं। इधर दोस्तों आपकी जो सेकंड रो ऑफ सीट्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हेडरेस्ट हैं, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं जो बहुत ज़रूरी रहते हैं, फ्रंट वाले भी आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं इधर। इसके बाद जो आपका डोर है वो आप देख सकते हैं, डुअल कॉम्बिनेशंस आपको इधर देखने को मिलती हैं। आपकी जो बॉटल होल्डर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं ये आप देख लीजिए, और डोर खोलने के लिए हैंडल आपको दिया गया ब्लैक एंड फिनिश के ऊपर, बहुत शानदार फिट एंड फिनिश आपको इधर फील होगा। अब जो एंट्रेंसेज हैं वो आप इधर देख पा रहे होगे अपनी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर जिसकी स्पेस है वो आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी हाइट है 6 feet, जो लोग चैनल से जुड़े हैं उनको ये बात पता होगी, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। स्पेस आप पूरी देख सकते हो आगे। अब आप आगे की स्पेस चेक कर लो, फिर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इको स्पोर्ट वैसे भी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर बैठ कर। पीछे कोई भी इधर आपको एस इवेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा, सिंपल प्लेन इंसर्ट्स मिलते हैं, सिंपल इंसर्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके जो स्पेसेस हैं जो मैंने आपको आगे से दिखा दी थी, कप होल्डर है, आप कन्वीनियंस स्पेस जो चाहते हो वो आप बोल सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों सेंटर में, एक चीज़ और रह गई थी, चेक कर लेते हैं आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं है। तो इधर आपको आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा गया, सिंपल प्लेन सीटिंग आपको मिलती है। अब वापस से आ जाएंगे इसके सेंटर पे, और हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो आपको सेंटर ज़रूर चेक करा देता हूँ, मतलब कि डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूँ सेंटर से, बैक सीट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का। अब आपको ये बताना है कि 2020 मॉडल में आपकी क्या उम्मीदें थीं, वो आपकी पूरी हुई कि नहीं हुई, ये आपको शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप में से जो लोग भी ये मॉडल ले चुके हैं BS6 पे, ट्रेंड वेरिएंट ले चुके हैं, प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बता देना। आपके तो थॉट्स हैं वो जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, हमेशा मैं आपसे ये बात बोलता हूँ। इसके बाद आप कंपनी का लिंक यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घर बैठकर आपको अगर टेस्ट ड्राइव बुक करनी करंट टाइम्स को देखते हुए तो वो भी आप कर पाओगे। अपना सपोर्ट बस ऐसे बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। प्लेस ऑप्शन ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।